तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी। तो आज EPFO SSA का मेरा पेपर था, तो मैं अभी पेपर देके आया हूँ जस्ट। तो सोचा कि मैं बता दूँ कि मेरे अटेम्प्ट्स कैसे रहे और मुझे पेपर कैसा लगा। तो आज सही मायने में देखा जाए तो उन्होंने नॉलेज का टेस्ट किया ही नहीं, आज असली मायने में पेशेंस का टेस्ट था। क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होना था 9 बजे और मेरे को लगता है एग्ज़ाम शुरू होगा लगभग 11 बजे। तो 2 घंटा हम सेंटर पर बैठे रहे और रूम में बैठे रहे क्योंकि एग्ज़ाम चालू नहीं हुआ था। पता नहीं कुछ बोल रहे थे कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से एग्ज़ाम चालू ही नहीं हुआ। तो 2 घंटा हम वेट करते रहे वहाँ पे, बहुत लोगों को नींद आ रहा था, मुझे खुद नींद आ रहा था। फिर 2 घंटा के बाद पेपर चालू हुआ, बीच बीच में लाइट भी कट जा रहा है सेंटर पे, तो बहुत ही दिक्कत था। तो एक तरह से पेशेंस का भी टेस्ट उन्होंने ले लिया अच्छे से, नॉलेज का तो टेस्ट होना ही था। ठीक है, तो एग्ज़ाम चालू हुआ बहुत प्रॉब्लम के बाद। चलिए मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम। तो पहले खुला रीजनिंग, तो रीजनिंग ईजी था, डुएबल था। थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो थे वो नए पैटर्न के थे, नॉर्मल जो SSC और बैंकिंग में आता वैसे नहीं था, पर ठीक है, डुएबल था। तो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हुए 30, तो मैंने 30 में 30 ओवर रीजनिंग के बना दिए। ठीक है, फिर उसके बाद खुला जनरल नॉलेज वाला सेक्शन, तो इजी ही था, ज़्यादा टफ भी नहीं बोलूंगा, पर ठीक है, जो पढ़े होंगे उनको इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो मेरे अटेम्प्ट उतने अच्छे नहीं क्योंकि जनरल नॉलेज अभी मेरे को करना है। SSC में भी देख रहा है कि मेरा जनरल नॉलेज में कम मार्क्स आ रहा है, तो उसमें मेरे अटेम्प्ट है 19 आउट ऑफ 30। ठीक है, फिर खुला क्वांट का सेक्शन, तो क्वांट का सेक्शन भी काफ़ी ईजी था, मतलब बोलूंगा कि SSC से भी आसान। ठीक है, बहुत ही आसान। तो मेरे अटेम्प्ट्स रहे 30 में 30 क्वांट में भी। ठीक है, फिर खुला इंग्लिश, तो इंग्लिश जो खुला तो इंग्लिश इजी था, मैं नहीं बोलूंगा कि टफ था, इजी था। पर प्रॉब्लम यह था कि जब उसका पैसेज खुला, वो पैसेज को आपको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह स्लाइड करना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको दाएं बाएं भी करना पड़ेगा, ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी आपको स्लाइड करना पड़ेगा हर जगह। तो वो काफ़ी प्रॉब्लम था, माउस के साथ क्वेश्चन बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जा रहा था, पढ़ना डिफिकल्ट हो जा रहा था। खैर, इन्होंने टाइम अच्छा खासा दिया था 2.5 घंटा, तो उसको भी मैनेज कर लिया। और पैसेज थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि SSC से टफ था, पर ठीक है, इजी था, उससे भी 10 क्वेश्चन आ गए थे, तो पैसेज भी मैंने कर लिया। बाकी इंग्लिश इजी था, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिव पैसिव भर भर के उसने पूछा हुआ था, और बाकी इंग्लिश अच्छा था, डुएबल था। तो इंग्लिश में मैंने बनाए 49 आउट ऑफ 50। एक मैंने ये बना पाया वो एंटोनिम सिनोनिम वाला, तो एक वर्ड मुझे पता भी नहीं चला था, ऑप्शन भी मैं देख समझ नहीं पाता क्या है, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, फिर खुला कंप्यूटर का सेक्शन, तो कंप्यूटर का सेक्शन का बहुत हाइप था, मैं सुन के गया था कि बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। लेकिन हाँ, लॉजिकल गेट्स और वो जो बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल कन्वर्शन होता वो देख के गया था, तो उससे एक सवाल आ गया तो वो बना दिया। बाकी 4-5 क्वेश्चन मुझे पता चल रहा था, तो मैंने अटेम्प्ट किए हैं 7 आउट ऑफ 10, जिसमें तुक्के भी मारे ऑब्वियसली, पर ठीक है, जैसा मैं मुझे लग रहा था कि कंप्यूटर बहुत खतरनाक होगा वैसा नहीं था, पर ठीक किया, ठीक है, सेक्शनल पार हो जाना चाहिए। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट हैं 134, तो 16 क्वेश्चन मैंने नहीं किए, तो 134 135 अटेम्प्ट है, 135, 15 क्वेश्चन मैंने नहीं किए। ठीक है, इधर से 11 और इधर से 4 3 है। ठीक है, तो 135 अटेम्प्ट है। तो आई गेस अब पता नहीं कैसा होगा, अभी एक ही पेपर था, इसके बाद रिजल्ट आएगा और उसके बाद टाइपिंग करना है, तो ठीक है, वेट करते रिजल्ट का। तो ये मेरा रहा अटेम्प्ट और ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। आप अगर वीडियो देख रहे हैं अभी तक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।